हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विक्रम और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम Redmi Note 7 Pro के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Redmi Note 7 Pro जो कि Redmi का बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला फ़ोन है। Redmi Note 7 Pro में जो प्रोसेसर दिया गया है वो है स्नैपड्रैगन 675, जो कि अब तक का बढ़िया से बढ़िया प्रोसेसर है। Redmi Note 7 Pro अपने कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का दिया गया है उसकी वजह से भी चर्चा में है। Redmi Note 7 Pro में 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल सेंसर कैमरा दिया गया है जो कि सोनी का है। Redmi Note 7 Pro ने फ्रंट कैमरा जो है 13 मेगापिक्सल का दिया है, वो भी बढ़िया से बढ़िया वर्क करता है। हम उसके स्क्रीन के बारे में बात की जाए तो वो 6.3 इंच की स्क्रीन दी गई है जो कि नॉच स्क्रीन है। अगर उसके MIUI की बात की जाए तो MIUI 10 है उसमें, और Android का जो वर्जन दिया गया है Android Pie है। Redmi Note 7 Pro की बैटरी के बारे में बात की जाए जो कि है 4000 mAh की बैटरी है। Redmi Note 7 Pro में जो चार्जिंग टाइप दिया गया है वो C टाइप का है जो कि वेरी फास्ट है, और उसमें भी Qualcomm 4 है। पर बॉक्स में जो हमारे साथ इसमें चार्जर दिया गया है वो फास्ट चार्ज नहीं करता है, इसलिए आपको फास्ट चार्ज करना है तो अलग से फास्ट टाइप का चार्जर ढूंढना पड़ेगा। और अगर उसके बैक साइड की बात की जाए तो उसमें भी गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है जो लुक में बहुत ही बढ़िया है, पर उसका कैमरा जो है वो पीछे की तरफ से थोड़ा सा उपसा हुआ बाहर निकल रहा है, जो स्क्रेचेज पड़ने के चांसेस रहते हैं। वो एक क्वालिटी की वगैरह बाकी सब बहुत ही बढ़िया है इसमें फ़ोन में। अगर परचेज करना चाहे तो ये बढ़िया से बढ़िया है मेरे मुताबिक। तो उसकी जो खासियत थी हमने जो देखी, उसका कैमरा है, उसका प्रोसेसर है, उसका गोरिल्ला ग्लास है, तो बढ़िया से बढ़िया उसमें दी गया, उसकी वजह से वो चर्चा में है। Redmi Note 7 Pro में पीछे भी गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है जो कि बहुत ही बढ़िया लुक देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और आखिर में बेल आइकन को हिट जरूर से कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।